बिहार में जहरीली शराब पीने के बाद अब तक 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छपरा और सिवान के बाद गोपालगंज का नाम भी मरने वाले लोगों के पते से जुड़ गया है। आज गोपालगंज के दो लोगों की और जान जाने की खबर सामने आई है। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज के गांवों में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को इस संख्या में दो नाम और जुड़ गए हैं, यानी जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच चुकी है। इसे एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि मरने वाले दोनों लोग जो है गोपालगंज जिले के बैकुंठ के रहने वाले हैं और ये इलाका भी सिवान और छपरा के सीमा से लगा हुआ है। सिवान जिले के महगर और अजैया पंचायत में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 28 थी और वहीं सारण जिले के मरसर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इब्राहिमपुर में शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई है। और भी कुछ इलाके हैं जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है और ये आंकड़ा जो है अब 37 के पास पहुँच गया है। इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्षी पार्टियों के नेता नीतीश कुमार सरकार द्वारा शराब की बिक्री और सेवन पर बैन को विफल बताते हुए जवाब मांग रहे हैं। वहीं मरने वाले लोगों के गांव के लोगों का कहना है कि अवैध रूप से बेचे जाने वाले शराब के सेवन से इन लोगों की जान गई है।